गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू माई क्लास टीचर एडुकेशन अकैडमी इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर माइक्रो लेसन प्लान ऑफ सब्जेक्ट साइंस आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनिंग स्किल इसको एक्सप्लेनेशन स्किल भी कहा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखते हैं डेट आज की डेट डालेंगे ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सब्जेक्ट साइंस टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है क्लास ये सिक्स क्लास का प्लान है पीरियड सेकेंड और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए सिक्स मिनट्स की और स्किल एक्सप्लेनिंग स्किल इसके कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं पहला कंपोनेंट है क्वेश्चन टू टेस्ट पीपुल्स अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट है क्लैरिटी इन द यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स नेक्स्ट है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज फोर्थ है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिफ्थ है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट्स और सिक्स है लैक ऑफ इनरेलीवेंट स्टेटमेंट्स इसको अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपना प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्लास में स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट इलास्टिक फोर्स तो आज का टॉपिक क्या है इलास्टिक फोर्स ये टॉप पे जो हम लोग ने टॉपिक छोड़ रखा था यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलास्टिक फोर्स और उसको हम लोग अंडरलाइन भी कर देते हैं टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है यहाँ पर भी टॉपिक आप अंडरलाइन करेंगे ये आपको नहीं लिखना है टीचर एडुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट पेज पर आप एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा उसमें टीचिंग पॉइंट पीपल टीचर्स एक्टिविटी और फिर पीपल्स रिस्पॉन्स और नेक्स्ट में हम लोग लिखते हैं कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे तो इतने कॉलम्स आपको बनाने हैं वन टू थ्री एंड फोर कॉलम्स आपको बनाने हैं तो स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं एक्सप्लेनिंग स्किल होती क्या है एक्सप्लेनिंग स्किल बेसिकली जो है टीचर सेंटर्ड होती है जो है जो आपके पीपल टीचर होते हैं वो क्लास में जो कुछ क्वेश्चन अप कर सकते हैं और पुटअप तो जो इसका आंसर्स आते हैं फिर उसके बाद वो आंसर्स को देखते हुए अपनी एक्सप्लेनिंग करते हैं यानी इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कहा इलास्टिक फोर्स तो वो बताएँगे इलास्टिक फोर्स होता क्या है और जो भी उसके बारे में डिटेल्स होती है वो एक्सप्लेनिंग स्किल के अंदर पीपल टीचर्स जो है उसको इसको स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो अभी आपको और क्लियर हो जाता है तो टीचिंग पॉइंट में हम लोग लिखते हैं इलास्टिक फोर्स पिपल टीचर्स एक्टिविटी में क्या होगा पीपल टीचर एक क्वेश्चन स्टूडेंट से पुटअप करेगा व्हाट हैपेंस इफ वी स्ट्रेच आर रबर बैंड अब इजी सा क्वेश्चन होना चाहिए स्टूडेंट चे आसानी से आंसर आ जाए पीपल रिस्पॉन्स क्या आएगा द रबर बैंड विल बी एक्सटेंडेड यानी एक रबर बैंड को अगर वो खींचेंगे तो क्या होगा तो खींचेने से वो बढ़ जाता है एक्सटेंड हो जाता है कंपोनेंट वन है अभी हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन पहले पुट अप कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपेंस इफ रिलीज द एक्सटेंडेड रबर बैंड अब जब वो खींचे हुए रबर बैंड को जब हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है तो पीपुल्स रिस्पॉन्सूडेंट से आंसर आएगा द रबर बैंड विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन यानी वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर चला जाएगा कंपोनेंट वन तो आप क्या करिए एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग स्किल के अंदर आप एटलीस्ट टू क्वेश्चन स्टूडेंट से पुट अप करिए बहुत ही ईजी होने चाहिए जिसके आंसर आपको आसानी से मिल जाए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए तो पहला कंपोनेंट जो हमने लिखा है क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन ईजी होने चाहिए और पीपल की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए यानी पीपल की अंडरस्टैंडिंग को आपने यहाँ पे जज कर लिया कि स्टूडेंट्स को क्या आता है कितना समझ में आया ठीक है अब स्टूडेंट को जो समझ में आया अब आपको क्या करना है अब आपको जो उनको समझ में आया अब आप उसको और ज़्यादा जो है ब्रॉड करेंगे अपने जो है आप लैंग्वेज में स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करेंगे यही होती है एक्सप्लेनिंग अब आप क्या करेंगे अब आप एक्सप्लेन करेंगे पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा इलास्टिक फोर्सेज आर फोर्सेज दैट कम इन टू प्ले वन ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रेच बैंड और ट्विस्टेड दैट इज वन दे आर डिफॉर्म कॉजिंग चेंज ऑफ शेप अब इतने में स्टूडेंट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली वो ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे कंपोनेंट कौन से हैं टू एंड थ्री टू क्या है क्लैरिटी इन यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स अब देखिए पीपल टीचर्स ने जो है स्टार्ट किया एक्सप्लेन करना तो मेरी जो है जो लैंग्वेज थी जो स्टेटमेंट था वो एकदम क्लियर था स्टेटमेंट क्लियर था इलास्टिक फोर्सेस आर फोर्सेस दैट कम इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रेच तो मेरा जो स्टेटमेंट था उसने प्रोडक्टिव स्टूडेंट एकदम क्लियर था आसानी से स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा तो ये पहला नंबर टू कंपोनेंट मैंने यूज़ कर लिया एकदम क्लियर आपका जो स्टेटमेंट होना चाहिए थर्ड कौन सा फ्लुएंसी इन लैंग्वेज अब देखिएगा मैं कहीं पर अटका नहीं हूँ मैंने एकदम क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया आपको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना है आपको कहीं पर अटकना नहीं है और जहाँ पे प्रॉपर पॉज लेना कहीं पे कॉमा है फुल स्टॉप है तो आप प्रॉपर पॉज भी लीजिएगा लेकिन आप कहीं पर अटकीिएगा नहीं तो ये फ्लुएंसी इन लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज में एकदम फ्लुएंसी होनी चाहिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया तो नंबर थ्री कम्पोनेंट भी मैंने यूज़ कर लिया अब देखिए इसी में मैंने नंबर फोर कंपोनेंट भी यूज़ किया हुआ है तो नंबर फोर कंपोनेंट क्या है यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स अब देखिएगा मैंने जो वर्ड्स जो यूज़ किए हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं यहाँ पर एकदम फ़िट बैठते हैं जैसे मैंने यहाँ पर क्या है स्ट्रेज यूज़ किया डिफॉर्म यूज़ किया तो ये सब वर्ड्स आपको एकदम जहाँ पर एकदम फिट होने चाहिए अप्रोप्रिएट होने चाहिए कोई भी एप्सर्ड वर्ड आपका आपको यूज़ नहीं करना है जहाँ पर जिस वर्ड की ज़रूरत है उसी को यूज़ करना है तो ये नंबर फोर कंपोनेंट भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है आपको सही वर्ड का जो है चुनाव करना है इसमें नेक्स्ट आप क्या करेंगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इलास्टिक फोर्सेस टेंट टू ब्रिंग बैक द ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड एग्जांपल आर रबर बैंड इज एन इलास्टिक सब्सटेंस इट चेंजेस शेप व्हेन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप वैन अप्लाइड फोर्स विदड्रॉन अब स्टूडेंट यहाँ पर भी इसको केयरफुली सुनेंगे कम्पोनेंट कौन से हैं फाइव एंड सिक्स फाइव कौन सा है कंटीन्यूटी इन स्टेटमेंट्स अब देखिएगा मैंने यहाँ पर जो छोड़ा था अपने स्टेटमेंट को और फिर मैंने उसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाया इलास्टिक फोर्सेस टेंड टू ब्रिंग बैक द ऑब्जेक्ट टू ओरिजिनल शेप तो क्या है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट है कहीं पर भी स्टेटमेंट ब्रेक नहीं हुआ कि मैं जो हूँ ए से मैं जेड पे डायरेक्ट पहुँच गया नहीं मैं ए से बी पर ही गया हूँ तो उसी स्टेटमेंट को मैंने आगे बढ़ाया है तो कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट भी हो गया सिक्स कंपोनेंट कौन सा है लैक ऑफ इलेवेंट स्टेटमेंट्स अब देखिए मेरा टॉपिक क्या था इलास्टिक फोर्स और मैंने जो क्वेश्चन पूछे उसी से रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछे थे जो स्टूडेंट से आंसर आए लास्ट में मैंने एग्ज़ाम्पल में इसको मैंने समझाया भी है यहाँ पर अपने इस स्टेटमेंट में एग्जाम्पल जो मैंने दिया है तो यानी यहाँ पर मैंने कोई भी इ स्टेटमेंट नहीं दिया, दिया है अप्रोप्रिएट वर्ड्स भी मैंने यूज़ करे हैं और मेरे जो स्टेटमेंट्स है वो इिलेवेंट नहीं है वो टॉपिक से ही रिलेवेंट से ही रिलेटेड है तो तो लैक ऑफ इ रिलेवेंट स्टेटमेंट यानी कोई भी इिलेवेंट स्टेटमेंट मेरी एक्सप्लेनेशन में नहीं था तो यहाँ पर आपकी ये स्किल पूरी होती है आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सप्लेन कैसे करना है स्टूडेंट के सामने आप देखिएगा कितना आप छः मिनट के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उतना ही लीजिएगा इस स्किल के अंदर उससे ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बहुत कम भी नहीं होना चाहिए अब आपको क्या करना है नेक्स्ट पेज पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से उसमें सीरियल नंबर कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी आपको लिखनी है आपको सिर्फ़ एस सच टेबल बना के छोड़ देनी है कंपोनेंट्स वन से सिक्स तक के जो अभी हमने डिस्कस किए थे तो उसको एस सच आप लिख दीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर फाइव फोर थ्री टू वन रे रेटिंग स्केल के लिए जो है आप फाइव फोर थ्री टू वन लिख दीजिएगा ये रेटिंग आपके सुपरवाइज़र आपको देंगे आपको इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ टेबल बना के छोड़नी है अगर वो पहले कंपोनेंट पर आपको फाइव देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड मान लीजिए दूसरे कम्पोनेंट को फोर देते हैं तो गुड नेक्स्ट कंपोनेंट पे अगर थ्री देते हैं तो सेटिसफैक्ट्री किसी कंपोनेंट पे आपको अगर टू दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री अगर किसी पे वन दे रहे हैं तो वो पुअर होती है यहाँ पर सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट जो भी सजेशन होंगे पीपल टीचर्स के वन टू थ्री जितने भी सजेशन को देने हो वो यहाँ पर दे सकते हैं आपको ताकि आपकी ये स्किल और बेहतर हो जाए और यहाँ पे सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं आपकी माइक्रोलेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं थैंक यू वेरी मच